ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है मध्य प्रदेश में राजनीतिक संकट और संवैधानिक स्थिति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं संविधान विशेषज्ञ अमित खेमका और पत्रकार केवी प्रसाद। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक संकट चल रहा है। वहां की कमलनाथ की सरकार के अल्पमत में आने की बात चली, क्योंकि कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया और कुछ विधायकों के इस्तीफे वहां पे स्वीकार भी किए गए। जो भी आंकड़े बताते हैं उसमें दिखता है कि कमलनाथ जी की जो वहां की बल संख्या है वहां की विधानसभा में शायद कम है, इस तरह का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस सारे प्रक्रिया में ये तो बिल्कुल साफ है कि सदन में शक्ति परीक्षण ही एकमात्र विकल्प होता है। और जैसे कि हमारे संविधान में जो वक्त वक्त पे इंटरप्रिटेशन किया गया, बम्बई जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो मोहर लग गई कि कोई भी शक्ति परीक्षण ना राजभवन या कहीं और हो सकता है, वो सिर्फ सदन में ही होगा। खेमका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो फिलहाल पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है, दो जज बेंच, और कल तक जो सुनवाई टाली गई, तो इस सारे प्रक्रिया में हम चाहते हैं कि कानूनी जो बारीकी है समझाएं। देखिए, जैसा आपने कहा कि इस बात का निर्णय कि किसको सरकार में रहना है या किसको नहीं रहना है, ये फॉर्चुनेटली हमारी सुप्रीम कोर्ट की 9 जज की जो बेंच एसआर मुंबई में, इस बात को पूरी तरह से कह चुकी है, या ये कहें कि रिपीट कर चुकी है कि ये सदन के पटल पर ही निर्धारित होना चाहिए कि किसका बहुमत है। और वही सबसे बड़ा कंसिडरेशन सारी संवैधानिक व्यक्ति जो उससे जुड़े होते हैं, चाहे वो गवर्नर है, चाहे वो स्पीकर है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो उनके दिमाग में सबसे बड़ी बात जो रहनी चाहिए सारे निर्णय लेते हुए, कि कैसा लगता है कि किसका बहुमत है और क्या जो इस वक्त सरकार है वो अपना बहुमत खो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में सारी संवैधानिक जितनी भी व्यक्ति हैं उनको इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारे निर्णय लेने चाहिए। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश वाला जो मैटर हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोबारा दोहराया कि स्पीकर और गवर्नर किसी भी प्रकार का निर्णय जो वो लें, उनको किसी भी पॉलिटिकल स्लगफेस्ट में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको याद हो कि अरुणाचल प्रदेश वाले केस में 21 लोगों का एक ग्रुप अलग हो गया था, जो कि 1/3 10th शेड्यूल के हिसाब से नहीं था, लेकिन उसके अंदर गवर्नर ने रिकमेंडेशन किया कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियरली कही कि ये 1/3 ग्रुप जो था वो लीगली डिफेक्शन इसको नहीं माना जाएगा, 10th शेड्यूल में 10th शेड्यूल के हिसाब से नहीं होगा, और ऐसे में गवर्नर को अपने आप को इसका पार्टी नहीं बनने देना चाहिए था, या स्पीकर को। ऐसा ही जब उत्तराखंड में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में भी उन्होंने कहा कि जो स्पीकर जिसके खिलाफ प्रस्ताव आया हुआ है उनको हटाने के लिए, उनको उसके ऊपर निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश में एक परिस्थिति बनी हुई है, एक बिल्कुल ही अलग किस्म की, ये कानून जितना भी डेफिनेशंस देना चाहे, लेकिन इंसान कुछ ना कुछ नया ढूंढ ही लेता है। और एक बहुत ही नई बात स्पीकर साहब ने कही कि जो लोग हमारे सामने इस्तीफा खुद लेकर नहीं आएंगे तो हम कैसे मान लें वो किसी दबाव में इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो अगर वो आएंगे तो मैं इस्तीफा मंजूर कर लूंगा। तो ये एक नई परिस्थिति पैदा हुई है और शायद अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी जजमेंट में इस परिस्थिति को डील किया गया। खेमका साहब, जैसे कहा जाता है कि स्पीकर को एक ही निर्णय होता है जब उनके समक्ष कोई इस्तीफा पेश करता है, कि उसमें कोई वजह नहीं होती, क्योंकि उसमें उनको अपने आप को संतुष्ट करना होता है कि कोई दबाव तो नहीं या कोई अन्य कारण जो भी हो कारण, क्योंकि पार्लियामेंट में भी कई सारे जब इस्तीफे होते थे पिछले 10-15 साल में हुए, उसमें ये जरूर देखा गया स्पीकर से कि लिख के भेज दिया जी फलाने वजह से, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जो दूसरा सवाल उठता है कि इसमें अगर हम कड़ी बात चलें, राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री को कहा जी वो अपने सदन में शक्ति परीक्षण करें, स्पीकर ने एक निर्णय लिया, अब सदन की कार्रवाई कैसे चले उसमें स्पीकर सर्वोपरि है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम ऑफ थिंग्स की हम बात करते हैं कि राज्यपाल का एक संवैधानिक दायित्व है, मुख्यमंत्री का अलग है, स्पीकर का अलग है, अब सवाल यह है कि जो 16 बागी विधायक जो कह रहे हैं कि हमें इस्तीफा भेजा, वो खुद बेंगलोर में हैं, ऐसे हमारे सामने रिपोर्ट्स आती हैं, अब वो ये कह रहे हैं हमारे सामने आए, तो शायद वो कुछ सुरक्षा की बात की, इसकी शायद दलील दी गई, तो इसमें तरीका इसी रास्ते से निकलना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि हमारे लोकतंत्र के लिए, एक आम नागरिक के लिए, ये बहुत ही दुखद
स्थिति है जहां पर कि हमारे चुने हुए नेता, चाहे वो एमएलएज हों या एमपीज हों, उनको हम ऐसे समझिए कि अगर मैं वर्ड यूज करूं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हर्ड्स की तरह से उनको गाड़ियों में और बसों में ले जाया जा रहा है। ये जो एक नई राजनीति चली है, ये जनता के लिए बहुत दुखदायी बात है। सत्ता में एक पार्टी रहे या दूसरी पार्टी रहे, और मैं समझता हूं कि शक्ति परीक्षण तो किया ही जाना चाहिए। उन विधायकों को जो बंगलोर में बैठे हैं, उन्हें भी यहां पर आकर शक्ति परीक्षण का हिस्सा बनना चाहिए, और जो लोग यहां पर हैं, अगर वो ये बात सेटिस्फाई कर पा रहे हैं स्पीकर को कि ये बिना किसी दबाव के है या किसी भी और तरीके से स्पीकर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में स्पीकर को उनका इस्तीफा मंजूर करना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर शायद कहीं ना कहीं राजनीतिक रस्साकशी चल रही है, और वो एक आम नागरिक के लिए बहुत ही दुखद स्थिति है। सिलसिलेवार अगर जैसे बात किया कि राजपाल महोदय ने एक वक्त कहा कि आप बजट सत्र शुरू हो रहा है तो उनके अभिभाषण के बाद तुरंत वो शक्ति परीक्षण कराएं, लेकिन वो हुआ नहीं। कोरोना वायरस की तरफ उन्होंने कहा हम 26 तक स्थगन करते हैं, तो वो तो कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर से एक उन्होंने कहा कि फलाने तारीख तक आप नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि आप, अगर आप बम्बई जजमेंट का फिर इंटरप्रिटेशन देखें तो फिर वहां पे स्पीकर का रोल अहम हो जाता है। राज्यपाल का अख्तियार है, अगर मैं कानून की बात करूं, इसलिए मैं कह रहा संविधान, कब वो सदन का सत्र बुलाना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो इसमें स्पीकर का अख्तियार ये नहीं है कि वो ये डिसाइड करें कि सदन का सत्र कब बुलाया जाएगा। ये पूरी तरह से कानून राज्यपाल को इस बात का अख्तियार देता है कि राज्यपाल ये निर्धारित करें कि सदन का सत्र कब बुलाया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां तक शक्ति परीक्षण की बात है, तो राज्यपाल के पास भी कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर होना चाहिए जिसके बेसिस पर राज्यपाल ऐसा निर्णय करें कि वो एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर को ये कहें कि आप शक्ति परीक्षण करिए। तो या तो कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन हो या कोई उनके पास में किसी और प्रकार से कोई मटेरियल हो, तभी राज्यपाल को ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल राज्यपाल का ही अख्तियार है कि वो ये निर्धारित करें कि कब और किस परिस्थिति में सदन का सत्र बुलाया जाए। जो समझना चाह रहा था कि राज्यपाल ने कहा कि सत्र बुलाया जाए, तो सत्र बुला दिया गया, और सत्र जब बुला दिया तो स्पीकर उसके संचालन करेंगे, उन्होंने कहा ये हाउस एडजर्न कर दिया, तो सत्र उस तरह से तो है, तो ये एक टेक्निकलिटी है बहुत, तो उस बारीकी को अगर हम समझना चाहें तो हमारे संविधान के निर्माता थे, तो उन्होंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे मुकदमे इन मामलों को लेकर कचहरी में जाएंगे। अब तो ये पोजीशन हो गई है कि हर बार जब भी सरकार अल्पमत में आती है तो सुप्रीम कोर्ट ही ये निर्धारित करती है कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए, मत कराइए, कब कराइए। तो ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है, और मैं समझता हूं कि इसके लिए जो सभी जो संवैधानिक पद हैं उनके ऊपर जो लोग भी आसीन हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। और जैसे आज कुछ बहस का जो विवरण बाहर निकल के आया, उसमें ये शायद दलील दी गई थी कि वो खुद कोर्ट में आके, शायद विधायक जो इस वक्त बेंगलोर में है, वो शायद अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रहे कि बेंगलोर से जाके भोपाल में जाए, लेकिन अंत तो गतवत मसला तो वहीं जाके रुकता है। अगर वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं उसके लिए तो स्पीकर के समक्ष जाना पड़ेगा। नहीं, मैं समझता हूं कि स्पीकर अगर किसी भी और तरीके से स्पीकर को वो लोग सेटिस्फाई कर पाते हैं कि हम किसी भी दबाव में ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जैसा कि एक कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों ने अपने विचार, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जिम्मेदारी स्पीकर की नहीं है कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर निर्णय लें या टीवी को देखकर निर्णय लें, लेकिन कोई भी और तरीका ये लोग अपना सकते हैं स्पीकर को ये सेटिस्फाई कराने के लिए कि हमने जो इस्तीफा भेजा है वो हमारा ही इस्तीफा है और हम किसी दबाव में ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपने आप में ये लोग जाकर बेंगलोर में बैठ जाएं और वहां से इस्तीफा दें, ये अपने आप में एक क्वेश्चन पैदा किसी भी व्यक्ति के दिमाग में कर सकता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि स्पीकर भी जो उनको पर्सनल प्रेजेंस की डिमांड कर रहे हैं वो भी एंटायरली वो अनरीजनेबल बात कर रहे हैं। सारी नजरें कल रहेंगी सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई, कल फिर इसी पे होगी, तो आगे का रास्ता भी वहीं से निकले, ऐसा ही उम्मीद है। बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समय की में अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश में राजनीतिक संकट और संवैधानिक स्थिति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे संविधान विशेषज्ञ अमित खेमका और पत्रकार केबी प्रसाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।